क्या तेजस्वी का दावा हो गया सच? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले सच में तेजस्वी यादव ने कर दिया खेल? क्या जेडीयू के 5 विधायकों को तेजस्वी ने अपने पाले में कर लिया? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दिए गए भोज के बाद से। दरअसल हुआ ये कि मंत्री श्रवण कुमार ने आज लंच पार्टी रखी थी, जहां लंच पार्टी में नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के तमाम विधायक पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि ये तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कवायद है। इसके जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या सारे विधायक इस लंच में पहुंच रहे हैं, क्या नीतीश के सारे विधायक एकजुट हैं। लेकिन इसी बीच इस पूरे लंच पार्टी में जेडीयू के 5 विधायक गायब रहे। अब जेडीयू के 5 विधायकों का ऐसे मौके पर गायब रहना नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहा है। उन विधायकों के नाम सबसे पहले हम आपको बता दें, बीमा भारती और सुदर्शन इस लंच पार्टी में शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि लेसी सिंह को कैबिनेट में फिर से जगह मिलने की संभावना को लेकर बीमा भारती नाराज बताई जा रही हैं। सुदर्शन की बात करें तो पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के विधायक सुदर्शन में नाराजगी है, जिसको लेकर के वो इस लंच पार्टी में शामिल नहीं हुए। वहीं शालिनी मिश्रा भी, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उनके नहीं पहुंचने का कारण दिल्ली होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शालिनी मिश्रा इस जेडीयू के लंच पार्टी में इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वो दिल्ली में है। वहीं दिलीप राय भी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के जब सवाल हुए दिलीप राय को भी लेकर के कहा जा रहा है कि वो जमशेदपुर में है, इसलिए वो लंच पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। वहीं डॉक्टर संजीव सिंह के गोवा में रहने का हवाला देकर ये बताया गया कि वो इस लंच पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। अब जेडीयू के सीनियर नेताओं ने नहीं आने वाले विधायकों से फोन पर बातचीत करके जानकारी ली है। आपको बता दें कि जेडीयू का दावा है कि कल शाम मंत्री विजय चौधरी की आवाज पर बुलाई गई बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है और फिलहाल इस लंच पार्टी से गायब 5 विधायक जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी की आवाज पर बुलाई गई बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस लंच पार्टी से फिलहाल जेडीयू के 5 विधायकों के गायब होने पर जेडीयू में टेंशन का माहौल है। इन 5 विधायकों के गायब होने के बाद अब तेजस्वी की भविष्यवाणी सच होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीते दिन लगातार ये दावा किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि जेडीयू के 16 विधायक तेजस्वी फ्लोर टेस्ट से पहले तोड़ लेंगे, उसमें से 5 विधायक फिलहाल लंच पार्टी में नजर नहीं आए, जिसको लेकर के चर्चा तेज है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये थी पटना से संवाददाता आदित्य वैभव की रिपोर्ट।